हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के 1 से 10 मई 2021 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली। तो आपको ये वीडियो बहुत गौर से देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यूके और किस कंपनी ने मिलकर मौसम जानकारी हेतु दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और यूके ने मिलकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम कंप्यूटर बनाया है। दोस्तों, बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी यानी 1975 में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और जो वर्तमान में सीईओ है वह सत्या नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बजाज कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है राहुल बजाज। राहुल बजाज ने हाल ही में बजाज कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ, ये किस टीवी चैनल पर एंकर थे? तो दोस्तों, ये आज तक के एक बहुत बड़े एंकर थे जिनका कोरोना की वजह से हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें इनकी उम्र 42 वर्ष थी। चंद्रो तोमर को हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इन्हें हम लोग शूटर दादी के नाम से जानते थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें इनका निधन 89 वर्ष यानी 89 वर्ष की उम्र में हुआ है और इन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉली सौरभ जी का हाल ही में निधन हुआ, ये पूर्व में किस पद पर थे? तो दोस्तों, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनकी उम्र 91 वर्ष थी। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1998 से 2004 तक ये अटॉर्नी जनरल के पद पर रहे थे। दोस्तों, भारत में अटॉर्नी जनरल का काम सरकार का वकील होना होता है, यानी सरकार का जो वकील होता है उसे ही हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं और राज्यों में जो वकील होता है सरकार का उसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। सॉली सौरभ जी भारत के अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवू चौधरी का निधन हुआ, तो ये कौन थे? तो दोस्तों, ये एक प्रख्यात सितार वादक थे। इनका नाम है देवू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये पद्म भूषण से सम्मानित थे और इनका निधन 85 वर्ष की उम्र में हुआ है। IPL 2021 में किसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? दोस्तों, यहां पर 6 छक्के हैं, 6 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों, ये हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने IPL 2021 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं और आपको बता दें एक ओवर में 37 रन इन्होंने बनाए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जिला जहां ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ड्राइव इन वैक्सीनेशन यह भोपाल में शुरू हुआ है। प्रदेश का पहला इस तरह का अभियान था जो ड्राइव में यानी आप अपनी कार से जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दिया जाएगा, वहां पे आप वैक्सीनेशन COVID-19 का करा सकते हैं। तो ऐसा जो अभियान किया गया था वह भोपाल में मध्य प्रदेश में सबसे पहले किया गया था। चलिए दोस्तों, बात आई है भोपाल की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है भोपाल की और ये ब्रॉड लोकेशन है भोपाल की। भोपाल को मध्य प्रदेश की झीलों और पहाड़ों पर बसा शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपदा प्रबंधन संस्थान वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ही स्थित है। 1960 में ब्रिटेन सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भी भोपाल में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में लगाया गया है। चार्ल्स कोरिया द्वारा भारत भवन का निर्माण भी भोपाल में ही किया गया था। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल भोपाल में ही बनाई गई है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसे 1985 में बनाया गया था, यह भोपाल में ही स्थित है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे भोपाल के बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के डिप्यूटी गवर्नर किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है टी रविशंकर। टी रविशंकर को हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर चुना गया है। दोस्तों, इन्हें 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें RBI में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक तो टी रविशंकर हो गए, दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे हैं MD पात्रा और चौथे हैं MK जैन, यानी ये चारों ही
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगर बात करें हम वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की, तो शशिकांत दास आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में गुरु तेग बहादुर का कौन सा पर्व मनाया गया है? तो गुरु तेग बहादुर का 2021 में चार सोबा पर्व मनाया गया है। दोस्तों, ये नौवे गुरु थे हमारे सिख समुदाय के। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रजेंद्र सिंह राठौर का निधन हुआ, ये किस जगह से विधायक थे? तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर से विधायक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने सिक्किम में देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अब बात आई है सिक्किम की, तो चलिए आपको मैप में सिक्किम के बारे में बता दें। मैप में आप ये देख पा रहे होंगे, ये लोकेशन है सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ का जो भारत संघ में प्रवेश किया था, यानी भारत का राज्य बना था, वह 16 मई 1975 में बना था। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यसभा की एक, लोकसभा की एक सीट है। यहाँ पर स्तनपाई पक्षी रेड पांडा है, और अगर हम पक्षी स्तनपाई की बात करें तो वह रेड पांडा है, और अगर पक्षी की बात करें तो रक्त तीतर है। दोस्तों, आपको बता दें, यह भारत का ही नहीं दुनिया का पहला राज्य जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सिक्किम में ही होती है। वैश्विक स्तर पर भारतीय बीमा कंपनी LIC किस स्थान पर है? दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत की LIC बीमा कंपनी यह वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राज्य में आपदा राहत कोष में कितनी राशि दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 4,436 करोड़ रुपए। 4,436 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्य आपदा राहत केंद्र में, यानी कोष में, यह दी गई है। निम्न में से कौन सा मिशन भारत का सबसे बड़ा नागरिक बचाव मिशन बन गया है? तो दोस्तों, वंदे भारत मिशन भारत का सबसे बड़ा नागरिक बचाव मिशन बन गया है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक बचाव मिशन, इसका नाम है वंदे भारत मिशन। जस्टिस PC पंत को निम्न में से कहाँ का चीफ बनाया गया है? तो दोस्तों, इन्हें NHRC का हाल ही में चीफ बनाया गया है। ये NHRC क्या होता है? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, जिसका चीफ हाल ही में जस्टिस PC पंत को बनाया गया है। हाल ही में तिसारा परेरा ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश से क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों, ये श्रीलंका से क्रिकेट खेलते थे। इनका नाम है तिसारा परेरा। को जीत नामक अभियान किसके द्वारा लाया गया है? तो सशस्त्र बल के द्वारा, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा को जीत अभियान लाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1993 में UN के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। दोस्तों, 2021 में इसकी जो थीम है, इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये थीम रखी गई है विश्व स्वतंत्र प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। PM मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है UK, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल बैठक की है। दोस्तों, रोडमैप 2030 इसमें लॉन्च किया गया है। 10 साल में UK और इंडिया के रिश्तों के बारे में इस रोडमैप के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है, यह बैठक भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन के बीच कराई गई है। बताइए UK की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बताते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, UK की है। यहाँ की राजधानी वह लंदन है। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है UK की। कोविड के दौरान दुनिया में रहने लायक देश कौन सा है? तो दोस्तों, दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छा देश है सिंगापुर। कोविड-19 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा रहने लायक देश बना है सिंगापुर। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। अगर वहीं बात करें हम भारत की, तो भारत इस लिस्ट में 30वें स्थान पर है। हाल ही में मानस बिहार का निधन हुआ,
दोस्तों ये कौन थे? तो मानस विहार वर्मा एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको बता दें, यह तेजस फाइटर जेट के मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्हें 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। जापान की ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों श्यामला गणेश जापान की ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित होने वाले भारत के व्यक्ति बने हैं। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और ये एक टीचर हैं। आपको बता दें, 2020 में जापान की ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित व्यक्ति थे थंगजाम धावली, जो मणिपुर में भी डॉक्टर थे। मिडवाइफ हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो प्रत्येक 5 मई को मिडवाइफ हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1992 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसकी थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। ये थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे की। हाल ही में अजीत सिंह का निधन हुआ, ये किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों अजीत सिंह का जो हाल ही में निधन हुआ है, ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ G7 की बैठक में भाग लिया है? तो दोस्तों इन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भाग लिया है। जो G7 की बैठक होने वाली थी कनाडा में, उसमें पत्रकारों का हाल ही में किस राज्य ने कोविड योद्धा घोषित किया है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य है जिसने पत्रकारों को कोविड योद्धा घोषित किया है। आपको बता दें, इन्होंने एक जो घोषणा है वह गोपबंधु संहिता स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत की है और इसी के अंतर्गत पत्रकारों का कोविड-19 में इलाज किया जाएगा। बताइए उड़ीसा की, तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा की है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो गवर्नर है वह गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। 10 राज्यसभा की और 21 लोकसभा की टोटल सीटें हैं उड़ीसा में। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ का जो डांस है वह उड़ीसी है। यहाँ का जो यानी उड़ीसा का जो सॉन्ग है वह बंदे उत्कल जननी है। जो मैमल है वह सांभर है। बर्ड यहाँ का इंडियन रोलर है। फिश यहाँ की महानदी महाशीर है और ट्री यहाँ का सेक्रेट फिग है। यहाँ का अगर हम फूड की बात करें तो पखाला यहाँ का फूड है। तो आपको इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जो डांस सॉन्ग मैमल बर्ड है, यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की बैठक में भाग लिया है? तो दोस्तों हाल ही में यूरोपीय संघ की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाग लिया गया है। दोस्तों इसकी जो वर्तमान अध्यक्षता है वह पुर्तगाल कर रहा है, यानी 2021 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता पुर्तगाल कर रहा है। चलिए बात आइए यूरोपीय संघ की, तो आपको इसके बारे में बता देते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह उर्सुला वॉन डेयर लियोन है और इसमें कुल 27 मेंबर हैं। यूके हाल ही में इससे अलग हुआ है। तो आपको इतना यूरोपीय संघ के बारे में यानी यूरोपीय यूनियन के बारे में याद रखना है। हाल ही में एन रंगा स्वामी किस यूटी के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एन रंगा स्वामी को बनाया गया है? तो ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगा स्वामी। दोस्तों ये बीजेपी से हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हाल ही में किसे बनाया गया है? तो एम ए स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, ये तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री होंगे। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2019 की सबसे शक्तिशाली हस्ती के 30वें स्थान पर एम ए स्टालिन को रखा गया है। बात करें अगर हेमंत सोरेन की, तो ये झारखंड के प्रधान मुख्यमंत्री हैं। बात आइए तमिलनाडु की, तो चलिए आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसकी लोकेशन के बारे में दिखा दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी चेन्नई है। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बने हुए हैं एम ए स्टालिन हैं। राज्यसभा की 18 और लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। आपको बता दें, यहाँ का डांस जो है भरतनाट्यम सबसे फेमस डांस है तमिलनाडु का। मैमल यहाँ का नीलगिरी ताहर है। बर्ड यहाँ का एमराल्ड डव है। फ्लावर यहाँ का ग्लोरिशिया लिली है। अगर ट्री की बात करें तो तमिलनाडु का राजकीय ट्री है पाम ट्री। और स्पोर्ट तमिलनाडु का कबड्डी है। तो आपको इतना तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। 2-डी ऑक्सीग्लूकोज नामक ड्रग किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों यह ड्रग DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है 2-डी ऑक्सीग्लूकोज।
दोस्तों यह रेड्डी लेबोरेटरीज की मदद से बनाया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म 2DG भी किया गया है। बात आई है डीआरडीओ की, तो चलिए आपको डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मोटो इसका बलस्य मूलम विज्ञानम है और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। मियां के बाड़े का नया नाम महेशनगर किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम पहले मियां का बाड़ा था और अब इसका नाम बदलकर महेशनगर किया गया है। बताइए राजस्थान की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की है, ब्रॉड मैप आप देख पा रहे होंगे। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। इसका राजधानी जयपुर है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 24 सीटें हैं राजस्थान में। राजस्थान का जो ट्री है वह खेजरी है। यहाँ का जो बर्ड है वह गोदावन है। डांस घूमर है। राजकीय जो फ्लावर है वह रोहिदा है। और अगर बात करें स्पोर्ट की या गेम की, तो राजकीय जो खेल है वह बास्केटबॉल है। तो आपको इतना राजस्थान के बारे में याद रखना है। बीआरओ का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों बीआरओ ने हाल ही में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों ये बीआरओ है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन जीएल नेहरू के द्वारा 1960 में किया गया था। इसके जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं वह राजीव चौधरी हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह है, हमारे जो बॉर्डर पर रोड बनाए जाते हैं उन्हें बीआरओ ही बनाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 1 से 10 मई के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हुए मध्य प्रदेश वर्ल्ड और भारत से, उनके बारे में, आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते तो शेयर कीजिए प्लीज़। और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।